अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? नया व्लॉग स्टार्ट कर लिया मैंने, पहले ही कहा था मैं नया व्लॉग स्टार्ट कर लूँगी। और फातिमा आ गई है, वो लेने गई है चावल। और यहाँ पे देखें जी, ये रोनी बूथी आ गया है, इसने बड़ा तंग किया हुआ है। ये आपको हर व्लॉग में बोलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसको चाहिए होता है मोबाइल की तरह। ये रहा, क्या चाहिए? ये आपके मुँह पे किसने मारा है? और ऊपर से कुक्कू आ गई, कुक्कू ने मोहम्मद समीर को पकड़ लिया था। हाँ जी, अब बनाने लगी मैं बिरयानी या पुलाव, जो भी बनाना है फटाफट से बनाते हैं। तो फातिमा आ जाए, चावल भी दूँ। हाँ जी, मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव बनाऊँगी। फिर मैंने कल रात स्पाइसी सा करके बनाया, तो मैंने कैरी भी मंगवाई है और साथ जो सा मैंने धनिया पुदीना मंगवाया है, उसकी चटनी बनाऊँगी, रायता बनाऊँगी। और साथ बनाऊँगी मैं जो भी बनाना है, पुलाव शुलाव जो भी है ये बनाऊँगी। चिकन धो के पहले मैं इसको मैरिनेट करके रख देती हूँ, ताकि फटाफट से अच्छे से तैयार हो जाए। आज हमारा नेट ही नहीं चल रहा, सुबह से ये वक्त आ गया नेट ही नहीं चल रहा। नेट वाले ने मेरा बड़ा दिमाग खराब किया है, मेरा काम सारा रुक जाता है। तो फिर जो मेरी ऑनर है वो मुझे भी कहेंगी कि आपका फिर से ये इशू हो गया था। तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे मजबूरी है कि मैं काम नहीं कर सकती। तो ये हाल है, नेट वाले के पास जो तो आगे से वो अपनी दंगियाँ दिखाता है, तो जैसे मैं उसको लतीफे सुना रही हूँ। क्योंकि अक्सर मुझे ही जाना पड़ता है जब बच्चे ना हो, बच्चों की भी नहीं सुनता, मोहताज है इनके। मैं बोटियाँ ना बड़ी बड़ी रखती हूँ, मैं बोटियाँ छोटी छोटी रखती हूँ, क्योंकि बोटियाँ नहीं होती है ना, आप खुद तो हमारी अगर छोटी रखेंगे ना, उससे ये होगा कि बोटियों में जो जायका है ना वो सुंदर से जाएगा। और जो बोटियाँ होती हैं ना, मैक्सिमम कितनी रखनी चाहिए, मैं किस पे करूँ किस पे करूँ किस पे नहीं, पतीले का नहीं चलता बस। हाँ जी, इतने तरह से पीस कर लिए हैं, तो फिर हमने बड़े बड़े पीस रखवाए होते हैं, तो टिक्का रोटी हमेशा रखवानी चाहिए। इससे ये होता है कि जायका आता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मोहम्मद समीर जो ना मुर्गी से डरने लग गए, मुझे ही लगता वो चिकन खाएगा। है जी, मर्जी उसकी, मैं ज़बरदस्ती नहीं करती किसी के साथ। तो मेरी छुरियाँ तो ऐसी हो गई हैं कि बकरा भी, मैं भी ज़िबा ना हूँ अगर कोई ज़िबा करना चाहे कि इसको ज़िबा करके मार दो। आत्मा नहीं आई मेरी तरफ। हाँ जी, चिकन निकाल लिया, इसमें थोड़ा सा दही डाल देती हूँ साथ ही। अभी मैं सिर्फ इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी, मैंने कुछ भी ऐड नहीं करना, रायते के लिए रख लिया, इतना तो दही बहुत होगा। चलें, पहले मैं ना, मेरे मोबाइल का स्टैंड है पता ख़राब हो गया, तो मुझे चाहिए होगा अपना मिर्च मसालों का डिब्बा जो मैंने मोबाइल के पीछे रखा हुआ है सहारे के लिए। हाँ जी, मैंने दूसरा सहारा उसको दे दिया ग्लास का। पीसी हुई मिर्चें, ये है कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी सी भी पीसी हुई डाल देते हैं। और यहाँ पे डाल देते हैं हल्दी, नमक 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 मैंने डाले हुए था इसमें, नमक। तो क्या मेरी बातों ने करती मेरे पीछे जाके, पता नहीं उन्होंने क्या करती है। फातिमा ने आई भी कलर, फातिमा आ गई हुई, खुरम आ गया तो फातिमा भी आ गई हुई है, वो गई हुई चावल लेने, तो अभी तक आई नहीं है। इसको मैं मिक्स किस कर दूँ, मिक्स और हमेशा बर्तन धो के इस्तेमाल करने चाहिए। हमें यह बताओ कौन सा कीड़ा पटिंगा फिर रहा है, तो वो इस पर लग जाए। आज तो छिपकियाँ बड़ी आई, तो ऊपर वो चढ़ गया, वह हीरा फिर रहा है, पता नहीं सोना चाँदी हीरा मोती जो भी है।
इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, अच्छा दही डाल दिया है तो अगर आप चाहें। हाँ जी फातिमा जी आ रही है, ये आ रही आवाज। फातिमा इधर आओ, सिरका चाहे डाल रहे हैं, सिरका चाहे ना डाल रहे हैं, इसको ऐसे ही रख दूंगी मैं। फातिमा चावल लिया बेटा। हाँ जी ये रही, ये वो फातिमा है जो आई है नानी की तरफ से हमारे सर एहसान करने, कहती मैं मेहमान हूँ। मैंने कहा फिर मेहमान आप बता दें कि आपने क्या खाना है, तो अब वो कहती है कुछ भी खिला दे। मैंने कहा चलो मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, तो कहती है ना मेहमान खिचड़ी ही खाते हैं, मेहमान का पेट थोड़ी ख़राब है। तो जी अब मेहमान के लिए खाना तैयार होने लगा है, उसके लिए मुर्गी मसलना, और यहाँ पे मैं थैली इकट्ठी करूँ। मेरी थैलियों की बड़ी ज़रूरत होती है क्योंकि मुझे बाद अपना पूरा को नाश्ता भी भेजना होता है, थैलियाँ भी होती है। मोहम्मद हसन अन्ने अल्लाह जाने क्या मेरे पीछे किया कारनामा। पानी थोड़ा सा और डाल देते हैं। बड़े भैया किधर है? तो नेट का क्या बना है? वो करने क्या है? खेल रहे भाई, बैट बॉल खेल रहे हैं। नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। ये तो खेल रहे हैं मोहम्मद हसन। ये तो सुनते ही नहीं है मेरी बात। अम्मा छोड़ जाने ना मुझे, ऐसे करके ना मानती था मुझे। कैसे इधर आके बताओ। हाँ कैसे कर दिया था? ऐसे करके ऐसे करके कर दिया था। नमाज पढ़ो जाके। मैं नमाज पढ़ रही थी, आपने मुंह ला लिया। चावल मैंने पुलाव तैयार कर लिया, बस यखनी तैयार हो गई है, अब मैं चावल ऐड कर दूंगी इसके अंदर और फिर मज़े मज़े का पुलाव खाएंगे। नमक चेक कर लूंगी, नमक सही है। इसमें मैं थोड़ी सी इमली डाल देती हूँ ताकि खट्टा खट्टा फ्लेवर आए। बहुत मजे के हाँ जी मैं बना रही हूँ नाश्ता, पूरम को भी ठीक है नाश्ता, बच्चे भी लेकर चले, बच्चे भी करके चले गए। मैं कल इसलिए अपनी कंटिन्यू कर सकी ब्लॉग हूँ कि फातिमा घर पे थी, पूरम घर पे थे, क्योंकि पूरम को भी बताया आपको संडे की छुट्टी शुरू हो गई है, तो अब वो ऑफ काम पे ही होते हैं, अपने ड्यूटी पे होते हैं तीन वाले दिन से, और इतवार वो घर होते हैं। तो इस वजह से कल मैं बड़ी मसरूफ़ थी, मसरूफ़ क्या थी, बस लेटी हुई थी, घर आई थी, इसका काम अपना कर रही थी जो मैं करती हूँ, तो बस इसी में दिन गुजर गया। मुझे पता नहीं चला मैंने ब्लॉग बनाना था, मगर मैं अपने शॉर्ट्स साथ साथ भेजी जा रही थी और मेरा ब्लॉग भी लग गया था जो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं अच्छी ही नहीं लगती हूँ, तो इसी गम में मैं मोटी होती जा रही हूँ। मैं मोटी हो रही हूँ।
मुझे ये गम खाए जा रहा है, हाय मैं मोटी हो रही, हाय मैं मोटी हो रही, मेरे गाल इतने पतले पतले थे, हाय मैं कैसे पतली हूँ, पहले तो मैं पतली हो गई थी, अब नहीं लगता मैं पतली हूँ ना। चले जी घर का ही खाती हूँ मैं, कौन सा मुर्ग मुसलम खाती हूँ, अल्लाह पाक। क्यों चनों के साथ नहीं खा रहा समीर? क्यों मोटी होती जा रही है, मेरे को समझ नहीं आ रही। चलो जी नाश्ता करते हैं, पतला होने को सोचते हैं फिर। हाँ जी कहाँ आए हो? हैं किधर? मामू के पास। किधर है मामू? उधर है। चलो भागो, अबू आ गई तो जाओ, अबू पास जाओ, अबू पास जाओ, भागो, अब भागो ना। इसको अबू पता नहीं कहाँ से नज़र आ गए, पता नहीं कौन अंकल जा रहे हैं, इसको अबू लग रहे हैं। चलो भागो, नहीं दिया ना। हाँ जी मैं जा रही हूँ मम्मी की तरफ। कल मैंने व्लॉग बीच में छोड़ दिया था क्योंकि अबू जी की तबीयत हो गई थी ख़राब, उनको मैं हॉस्पिटल लेकर गई थी फोरम के साथ, तो बुखार बहुत ज़्यादा तेज था और ब्लड प्रेशर भी था, और यहाँ पे पूरी गली में सन्नाटा हुआ है क्योंकि धूप है ना और गर्मी की शिद्दत में इजाफा। और आप सोच रहे होंगे मैं सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ, मैं अम्मी के पास जा रही हूँ, अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई जी। मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ अब आप ही बताएँगे क्या बन रहे हैं। ये बन रहे हैं आलू के चपली कबाब, मेरे पास आलू थे फिर मैंने कहा कि आलू मैं भेज देता हूँ, तो तुम ना आलू और चने की दाल के कबाब बना लो, मैंने कहा बड़े खा लिए हैं आप बनाते हैं आलू के चपली कबाब, तो ये वो बना रही हूँ। ये मसाला बना के रखा हुआ है और ये मज़े के कुरकुरे तैयार हो रहे हैं। हाँ जी कुछ पकने को हो ना हो, अगर आपके पास आलू है ना तो उससे आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बड़ी मज़े मज़े के बना सकते हैं, तो ये तो यह यहाँ तैयार हो रहा है। मैं कह रही हूँ किसी दिन मैं गोला कबाब भी बनाऊँगी आलू के, क्या करें बद्दू जाना है। हाँ जी ये देखें कुरकुरे तैयार हो गए हैं, यहाँ पे और फ्राई करने रख दिए हैं। हाँ जी जैसे आपको बताया था मेरी तबीयत का, मुझे तबीयत का बैंगन आलू मैं पका रही हूँ और यहीं पे अपने ब्लॉग एंड करती हूँ, तो हमें याद रखें अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। आटा देख लगा हुआ, पसीना आया हुआ।